लेकिन अम्मी चाहती हैं कि तुम शादी से पहले अच्छी सी नौकरी ढूंढो, उसके बाद ही वो मेरी शादी करेंगी तुमसे। शफक तुम जानती हो हमारे घर का खर्चा अब्बू की दुकान से अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन वो चाहती है कि तुम्हारी अपनी कोई नौकरी हो। मैं नौकरी की तलाश कर तो रहा हूँ ना, देखो अगर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली तो फिर मैं छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दूंगा। देखो तुम तलाश जारी रखो, क्योंकि अगर तुम्हारी नौकरी नहीं हुई ना, वो मुझसे शादी नहीं करने देंगी तुम्हें। चाची जान को फिक्र किस बात की? अरे उन्हें ही सारी फिक्र है, असल में वो नहीं चाहती कि शादी के बाद मैं ताया अब्बू के सामने हाथ फैलाऊं। तुम क्यों हाथ फैलाओगी किसी के सामने? तुम्हारे पास खुद के पैसे होंगे ना? क्या मतलब मेरे अपने पैसे ही होंगे? देखो शफक, शादी के बाद तुम अपनी नौकरी जारी रखना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। लेकिन तेरी ताई को मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ वो कितनी तेज तरार है, कितनी चालाक है, उसकी नजर तेरी कमाई पर है, इसलिए अपने निकम्मे बेटे से शादी करके कमाई खाना चाहती है कि सारी जिंदगी घर बैठ के ऐश करूं। हेलो शफक, शफक मैं शादी के बाद नौकरी नहीं करूंगी। मगर क्यों? उस्मान मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ, थक चुकी हूँ, शादी के बाद सिर्फ घर का काम संभालूंगी और कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। मैंने तो ऐसे कह दिया था। जैसे तुम्हारी मर्जी। इजाजत का बहुत शुक्रिया, लेकिन शादी के बाद मुझे काम नहीं करना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।